गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों का कक्षा 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फर्स्ट लेसन एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत की, जिसके अपने अभी तक 9 भाग पढ़े। जो भाग नंबर 9 था उसमें अपने पढ़ा विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये अपने पढ़ा। तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा एक बार फिर वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के अति निकट रखे होते हैं तो आवेशों का एक पेयर बन जाता है, जोड़ा बन जाता है, जो क्या कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। ये माइनस क्यू आवेश है और दूसरा आवेश कौन सा है प्लस क्यू। जब दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश यानी माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश एक दूसरे के पास अति निकट रखे जाएंगे तो एक पेयर बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, जो क्या कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। दूसरा आपने पढ़ा द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या था, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश के परिमाण q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होगा वो कहलाएगा द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक था वो मैंने आपसे पूछा था पार्ट नंबर 9 के अंदर, मात्रक क्या होगा, तो मात्रक क्या था कूलम इंटोमीटर, जो क्या कहलाता है डीवाई कहलाता है। क्या कहलाता है डीवाई, काफ़ी बच्चों ने आंसर दिया है। मंडे को आपका टेस्ट है, सोमवार को, हर सोमवार को फिजिक्स का टेस्ट होगा, प्रत्येक गुरुवार को मैथ और बायोलॉजी का टेस्ट होगा और प्रत्येक शनिवार को केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। प्रत्येक सोमवार को रिजल्ट भी सुनाया जाएगा, पीछे वाला जो टेस्ट हुआ है, जैसे पीछे इस सप्ताह में जो टेस्ट हुए हैं उन सभी का रिजल्ट एक साथ मंडे को सुनाया जाएगा। अब आपका सिलेबस क्या रहेगा, ये लेसन कम्प्लीट 1 नंबर वीडियो से लेकर 10 नंबर वीडियो तक आपको देखने हैं और जो कमेंट आपके इंक्लूड होंगे जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे 6 नंबर से लेकर 10 नंबर तक। कमेंट है, एक कमेंट है 2 नंबर का, प्रत्येक वीडियो देखना है। कमेंट का मतलब जो प्रश्न पूछा गया उसका आंसर, तो अपने टोटल कमेंट, एक कमेंट 2 नंबर का है, टोटल अपने 5 दिन के अंदर 5 वीडियो प्रत्येक सप्ताह भेजे जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 नंबर और जो टेस्ट है वो है 10 नंबर का, तो टोटल हो जाएंगे 20 नंबर प्रत्येक सब्जेक्ट का इसी प्रकार से। और जो मेजर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो होगा 60 नंबर में से, तो इसके अकॉर्डिंग अपने को तैयारी रखनी है। तो मंडे वाला जो टेस्ट है उसका सिलेबस है वीडियो नंबर 1 से लेकर 10 तक, आपको अच्छे ढंग से देखने हैं, जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको करना है और जल्दी से कॉपी आपको भेज देनी है। इस पॉइंट के बाद अपने टॉपिक पढ़ा था अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्ष रेखा किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच में से गुजरने वाली रेखा, ये जो रेखा है ये कहलाती है अक्ष रेखा। अक्ष रेखा पर अपने एक बिंदु लिया था, यहाँ पे प्रेक्षण बिंदु पी बिंदु, और पी बिंदु पर अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। तो P बिंदु पर जो तीव्रता आई वो थी E बराबर 2 KP बटा में R क्यूब। तो ये टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया था, अच्छे ढंग से इसको पढ़ा था। इसके बाद में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना है निरक्ष रेखा या विषुवत रेखा किसे कहते हैं, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो निरक्ष रेखा या विषुवत रेखा क्या है, अपने पॉइंट पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, जब दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के अति निकट रखे जाते हैं तो आवेशों का ये पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, जो विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। अब जो ये विद्युत द्विध्रुव बना है इसके मध्य बिंदु से यदि कोई रेखा लंबवत गुजरती है इस प्रकार से, जैसे ये रेखा गुजर रही है लंबवत, ये जो रेखा है मान लेते हैं ये है पी क्यू, ये रेखा कहलाती है निरक्ष रेखा या विषुवत रेखा। विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से लंबवत गुजरने वाली जो रेखा होगी वो रेखा क्या कहलाएगी, निरक्ष रेखा या विषुवत रेखा। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर निरक्ष रेखा या विषुवत रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न करना है। तो व्यंजक व्युत्पन्न करने के लिए सबसे पहले अपने दो आवेश लेंगे, एक माइनस क्यू आवेश और दूसरा प्लस क्यू आवेश। ये दो आवेश हैं, पहले माइनस क्यू आवेश है, दूसरा है प्लस क्यू आवेश। माइनस जो क्यू आवेश हैं वो रखा गया है ए बिंदु पर और जो प्लस क्यू आवेश है वो रखा गया है बी बिंदु पर। इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है, दूरी कितनी है 2a, इस प्रकार से दोनों आवेशों के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मान लेते हैं O है,
ओ से लंबवत आर दूरी पर एक प्रेक्षण बिंदु है पी बिंदु। ये जो प्रेक्षण बिंदु पी लिया है ये कहाँ पर है? निरक्ष रेखा पर है या विषुवत रेखा पर है। इस बिंदु पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, अब माइनस क्यू आवेश क्या करेगा? पी बिंदु पर जो आवेश है वो कैसा है? प्रेक्षण आवेश है, और प्रेक्षण आवेश हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। तो माइनस क्या करेगा? प्लस को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो डायरेक्शन ये आ जाएगी विद्युत क्षेत्र की, यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आ जाएगी ईवन सदिश मॉड्यूलस। ईवन सदिश मॉड्यूलस की डायरेक्शन क्या है? पी से ए की ओर। और कूलाम के नियम से इसका मान कितना होगा? ईवन सदिश मॉड्यूलस इज इक्वल टू के क्यू बटा में आ जाएगा ए पी स्क्वेयर। ये बिंदु है ए और ये बिंदु है पी, ये दूरी अपने को निकालनी है ए पी स्क्वेयर। इसको मान लेते हैं अपने समीकरण नंबर एक नंबर। अब देखो यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए ओ पी। इस त्रिभुज में अपने को ये दूरी निकालनी है। ये दूरी मैं आपसे पूछूं टोटल दूरी कितनी है? 2a, ये मध्य बिंदु है, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी? स्मॉल a। p बिंदु और o बिंदु के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? r। तो अपने ये त्रिभुज जो AOP त्रिभुज है, इसके अंदर ये आधार है, ये लम है और ये करण है। करण का मान हमें ज्ञात करना है। तो अपने क्या करेंगे, जो त्रिभुज AOP त्रिभुज है उसके अंदर अपने क्या करेंगे, पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस की प्रमेय से त्रिभुज AOP में पाइथागोरस की प्रमेय से, और पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है? करण स्क्वेयर बराबर लम स्क्वेयर प्लस आधार स्क्वेयर। तो करण यहाँ पर क्या है? AP स्क्वेयर, यह आ जाएगा AP स्क्वेयर। लम यहाँ पर क्या है? OP है, OP आ जाएगा OP स्क्वेयर। और आधार यहाँ पर क्या है? OA, OA आ जाएगा OA स्क्वेयर। AP का मान हमें ज्ञात करना है, तो ये आ जाएगा AP स्क्वेयर इजकल टू OP का मान कितना है? OP का मान है R, R स्क्वेयर। OA का मान क्या है? A स्क्वेयर। ये आ जाएगी समीकरण नंबर दो नंबर। अब अपने क्या करेंगे, समीकरण दो से AP स्क्वेयर का मान समीकरण नंबर एक में रख देंगे। तो ये आ जाएगा समीकरण एक व दो से क्या आएगा? ईवन सदिश मॉड्यूलस इजकल टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मान निकालेंगे अपने ईवन सदिश मॉड्यूलस का, तो ये आएगा के क्यू बटामी आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। और ये समीकरण आ जाएगी कितने नंबर? तीन नंबर। अब मैं आपसे पूछूंगी बताओ डायरेक्शन क्या होगी, ईवन सदिश मॉड्यूलस की डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन आ जाएगी P से A की ओर। अब जिस प्रकार से अपने माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकाली है, उसी प्रकार अपने क्या करेंगे, जो B बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है उसके कारण तीव्रता निकालेंगे। तो ये आवेश पॉजिटिव, ये प्रेक्षण बिंदु है, ये भी पॉजिटिव होगा, प्लस प्लस को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। तो डायरेक्शन आ जाएगी ये इस प्रकार से, ये डायरेक्शन किसकी आएगी? E2 सदिश मॉड्यूलस की। यहाँ पर लिख देंगे E2 सदिश मॉड्यूलस। अब अपने को E2 सदिश मॉड्यूलस का मान निकालना है कि E2 सदिश मॉड्यूलस का मान कितना होगा। तो B बिंदु पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम से वैल्यू निकालेंगे अपने, तो ये माना जाएगा E2 सदिश मॉड्यूलस इजकल टू के क्यू बटा में B बिंदु पर स्थित आवेश के कारण P बिंदु पर मान निकालना है, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी? बी पी स्क्वेयर। अब यहाँ पर बी पी का मान कितना आएगा? बी पी स्क्वेयर का मान, जैसे अपने ए पी स्क्वेयर का मान निकाला था उसी प्रकार बी पी स्क्वेयर का मान आ जाएगा। वापस देखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज क्या बन रहा है? बी ओ पी। इसके अंदर भी पाइथागोरस की प्रमेय लगानी है और अपने को मान निकालना है, तो मान वही सेम आएगा आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा E2 सदिश मॉड्यूलस इजकल टू के क्यू बटा में आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। और ये समीकरण आ जाएगी कितने नंबर? चार नंबर। समीकरण नंबर ये आ गई चार नंबर। अब देखो दोनों आवेश एक दूसरे प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो E2 सदिश मॉड्यूलस की डायरेक्शन है वो क्या होगी? बाहर की ओर होगी। अब देखो समीकरण नंबर जो तीन नंबर है, ईवन सदिश मॉड्यूलस
और समीकरण नंबर 4 नंबर है ई टू सदिश मॉड्यूलस, दोनों मान कैसे हैं, एक जैसे ही हैं, दोनों मान कैसे हैं एक जैसे, यानी दोनों का परिमाण कैसा है, इक्वल है, बराबर है, तो अपने समीकरण 3 और 4 को एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं। तो यह आ जाएगा समीकरण 3 व 4 से, इसको अपन क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व 4 से ई वन सदिश मॉड्यूलस बराबर ई टू सदिश मॉड्यूलस, और ये समीकरण आ जाएगी कितने नंबर, 5 नंबर। दोनों मान कैसे हैं, एक दूसरे के बराबर है। अब अपने क्या करेंगे, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ई वन सदिश मॉड्यूलस और ई टू सदिश मॉड्यूलस को घटकों में विभाजित करेंगे। ये जो कोण बन रहा है ये थीटा है, ये जो कोण बन रहा है ये भी थीटा है। तो ई वन सदिश मॉड्यूलस के अपने को दो घटक लेने हैं, एक तो आएगा पी क्यू दिशा में, ये है पी क्यू, पी क्यू दिशा में ये कोण थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ई वन सदिश मॉड्यूलस का जिसके साथ कोण थीटा होता है वो घटक हमेशा क्या होता है, कोस थीटा, यह आ जाएगा ई वन सदिश मॉड्यूलस कोस थीटा, 36 घटक, और ये है लंबवत घटक, और इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा ई वन सदिश मॉड्यूलस साइन थीटा, ई वन सदिश मॉड्यूलस साइन थीटा, ये माना जाएगा। ये अपने पी क्यू माना है, इसको अपने मान लेते हैं पी आर। जैसे अपने ई वन सदिश मॉड्यूलस के दो घटक लिए हैं, उसी प्रकार ई टू सदिश मॉड्यूलस के भी अपने को दो घटक लेने हैं, ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा आ जाएगा। अब देखो ई टू सदिश मॉड्यूलस का जो 36 घटक आएगा वो आएगा ई टू सदिश मॉड्यूलस कोस थीटा, और लंबवत घटक आएगा पी डी दिशा में, और ये आएगा ई टू सदिश मॉड्यूलस साइन थीटा। बहुत ही आसान, ई वन सदिश मॉड्यूलस का जो 36 लंबवत घटक है पी ओ दिशा में वो है ई वन सदिश मॉड्यूलस, और जो ई टू सदिश मॉड्यूलस का लंबवत घटक है पी डी दिशा में वो है ई टू सदिश मॉड्यूलस। यानी ये जो दोनों लंबवत घटक हैं ये दोनों कैसे हैं, परिमाण में बराबर है, क्योंकि ई वन किसके बराबर है, ई टू के बराबर है, दोनों में साइन थीटा है, तो दोनों घटक कैसे हो गए, परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत। दिशा विपरीत कैसे हुए, एक डायरेक्शन है ऊपर से नीचे की ओर, दूसरे का डायरेक्शन है ऊपर की ओर, यहाँ पर है ई वन सदिश मॉड्यूलस साइन थीटा, इसी प्रकार ऊपर की ओर है ई टू मॉड्यूलस साइन थीटा। ई वन किसके बराबर है, ई टू के बराबर है, जैसे मान लो ई वन का मान 10 है तो ई टू का मान भी कितना होगा, 10 होगा, तो दोनों परिमाण में बराबर हैं, दोनों का मान कितना है 10 10, लेकिन डायरेक्शन विपरीत है। जैसे मान लो ये पहला पॉजिटिव मान लें दूसरा नेगेटिव मान लें, तो दोनों की दिशा कैसी होगी, विपरीत, दोनों क्या करेंगे एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, और बिंदु P पर जो अपने को परिणामी तीव्रता प्राप्त होगी वो केवल 36 घटकों के कारण ही प्राप्त होंगी, क्योंकि दोनों 36 घटक क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, ई पी सदिश मॉड्यूलस इज इक्वल टू ई वन सदिश मॉड्यूलस कोस थीटा प्लस ई टू सदिश मॉड्यूलस कोस थीटा। अब देखो E1 किसके बराबर है, E2 के बराबर है, यानी E1 के बराबर E2 रख सकते हैं या E2 के बराबर E1 रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा EP सदिश मॉड्यूलस इज इक्वल टू E1 सदिश मॉड्यूलस कोस थीटा प्लस यहाँ पर आ जाएगा E1 सदिश मॉड्यूलस कोस थीटा। दोनों सेम हैं, दोनों को जोड़ देंगे अपने, तो ये आ जाएगा EP सदिश मॉड्यूलस इज इक्वल टू 2 E1 सदिश मॉड्यूलस कोस थीटा, यानी दुगना हो जाएगा ये, और ये आ जाएगी समीकरण नंबर 6 नंबर। अब अपने क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर 6 है उसमें ई वन सदिश मॉड्यूलस का मान रख देंगे समीकरण नंबर 3 से, तो यह आ जाएगा समीकरण 3 व 6 से, तो इसको अपन लिखेंगे ई पी सदिश मॉड्यूलस इज इक्वल टू 2 गुणा में ई वन सदिश मॉड्यूलस का मान क्या था, के क्यू बटा में आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा, ये समीकरण नंबर आ जाएगा 7 नंबर। अब अपने क्या करना है, समीकरण 7 में जो कोस थीटा आ रहा है उसका मान निकालना है कि कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ए ओ पी या त्रिभुज बी ओ पी, इन दोनों त्रिभुज में से किसी में भी अपने क्या कर सकते हैं, कोस थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो अपने यहाँ पर लेते हैं त्रिभुज ए ओ पी, त्रिभुज ए ओ पी के अंदर अपने क्या करेंगे, कोस थीटा का मान निकालेंगे, इसको अपन ऐसे लिख देंगे त्रिभुज ए ओ पी में कोस थीटा, और कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में करण,
आधार क्या है, OA, OA का मान क्या है, A या जाएगा स्मॉल a, करण, करण स्क्वायर निकाला था अपने, करण स्क्वायर कितना आया था, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अपने को केवल करण का मान चाहिए। थोड़ी देर पहले समीकरण नंबर दो में आप देखें, समीकरण नंबर दो में करण स्क्वायर निकाला है और करण स्क्वायर बराबर क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, केवल करण का मान निकालेंगे तो रूट में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये समीकरण आ जाएगी समीकरण नंबर आठ नंबर। समीकरण आठ से अपने क्या करेंगे, कोस थीटा का मान समीकरण नंबर सात में रख देंगे, तो ये आ जाएगा ईपी सदिश मॉड्यूलस इज इक्वल टू, दो के स्थान पे दो लिखना है, के क्यू बटा में है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए बटा में रूट के अंदर है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आधार सेम है दोनों का, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इस पूरे की पावर कितनी है, कुछ भी नहीं लगाया, मतलब पावर कितनी है एक, और ये किस में है, रूट में है, इसका मतलब पावर कितनी है, आधी है। जब आधार समान होता है तो घात जुड़ जाएगी, तो इसकी पावर एक है और इसकी पावर आधी, एक और आधा कितना हो गया डेढ़, यानी तीन बटा दो। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, ई पी सदीस मॉड्यूलस इज इक्वल टू, ऊपर वाले को अपन ये लिख सकते हैं के इंटू क्यू इंटू टू ए, और बटा में ये लिखेंगे आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर तीन बटा दो, बिल्कुल ही सिंपल। इसके बाद अब देखो q इंटू टू ए क्या होता है, q इंटू टू ए ये होता है p के बराबर, यानी विद्युत ध्रुव आघूर्ण के बराबर, तो ये आ जाएगा ep सदिश मॉड्यूलस इज इक्वल टू के पी, बटा में आ जाएगा r स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर तीन बटा दो। r यहाँ पर क्या है, r है विद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से प्रेक्षण बिंदु की दूरी, e क्या है, विद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से आवेशों की दूरी, आवेशों का ये युग्म बना है, पैर बना है, जोड़ा बना है, तो यहाँ पर ए का मान क्या होगा, आर की तुलना में बहुत ही कम, यानी आर ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ए है, तो आर की तुलना में ए को नेगलेक्ट कर देंगे, आर की तुलना में ए को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर, नगण्य मानेंगे किसको, ए को, तो अपने पास देखो क्या बचेगा, अपने पास वैल्यू आ जाएगी ई पी सदिश मॉड्यूलस इज इक्वल टू के पी बटा में, यहाँ रह गया आर स्क्वेयर और इसकी पावर है तीन बटा में दो, दो से दो कैंसिल, तो यह आ जाएगा ई पी सदिश मॉड्यूलस बराबर के पी बटा में आर क्यूब, ये आ गया इसका आंसर। ये मान लेंगे अपने समीकरण नंबर जो भी है आठ या नौ, समीकरण आठ ही क्या है, विद्युत ध्रुव की निरक्ष रेखा या विषुवत रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो ये था एक बहुत ही आसान सा प्रश्न जो कंप्लीट हुआ, इसको आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, दो तीन बार लिखकर देखेंगे, और जो कल वाला टेस्ट होगा उसमें यहाँ तक अपना सिलेबस आएगा। जो ओल्ड यानी पुराने वाले बच्चे हैं उनका सिलेबस रहेगा लेसन फर्स्ट जितना ये करवा दिया है यहाँ तक प्लस 17 नंबर, और जो न्यू स्टूडेंट है जो 11वीं में थे अभी 12वीं में है उनका केवल ये पहला चैप्टर 10 वीडियो देखने हैं आपको। तो आप तैयारी करते रहें, अच्छे ढंग से पढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।